हमेशा फिजिक्स को इंजॉयबल मोड में पढ़े। जब भी ज्यादा टेंशन में आते हो, देखो आप लोगों को स्टूडेंट्स हैं, आप लोग अभी बच्चे हो, छोटे छोटे बच्चे हो, पर इतने भी छोटे नहीं हो कि मेरी बात समझ नहीं पाओ, मेरे को समझ जाओगे। यस सर। तो समझने का सबसे बात है कि मैं आपको बार बार कहता हूँ, जब क्वेश्चन लगाओगे, जब मेहनत करोगे तो दिक्कत तो आएंगी, पर उस दिक्कत से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। क्वेश्चन कई बार बनाते हैं बच्चे जिनके नहीं बनते हैं, परेशान नहीं हो। हाँ, इधर देखें कि सबके साथ हैं, कर लेंगे काम। टेंशन नहीं लें, कंसिस्टेंसी रखें, लगे रहें। लगे रहते हो ना तो रिजल्ट जरूर आता है। देखते हो ना, अगर कोई बूंद, सिंगल बूंद एक पत्थर पे गिरती रहती है, हैवी पत्थर पे, तो पत्थर के अंदर भी छेद कर देती है। छोटी सी बूंद क्यों कर देती है? कंसिस्टेंटली गिर रही है। और ऐसे चाहे आप उसके अंदर बड़े से बड़े प्रेशर से वाटर डाल दो, कहीं उसके अंदर होल नहीं होगा। तो ये कंसिस्टेंसी है ना, दैट इज की टू सक्सेस। तो ध्यान रहें, कंसिस्टेंट रहें।